विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में प्रदेश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बेहतर म्यूजियम जिसे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ये बात पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने श्री नैना देवी जी में पहुंचने पर कही। उन्होंने पौधारोपण भी किया और कहा कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में एक पौधा भी भेंट किया जाएगा, ऐसी स्कीम जल्द लागू की जाएगी। उनके साथ आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने उनका मंदिर न्यास की तरफ से स्वागत किया। नैना देवी में शक्तिपीठ पर बनने वाला म्यूजियम प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला म्यूजियम होगा और इसे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से मंदिर के इतिहास और यहाँ के प्राचीन मूर्तियों के बारे में लोगों को पता चलेगा, साथ ही शोधकर्ता भी इस तरह के प्रोजेक्ट की आस लगाए बैठे हैं ताकि वह मंदिरों के बारे में और ज्यादा शोध कर सके। मैं ये समझूंगा कि जहाँ ये पूरा साहित्य धार्मिक वो यहाँ पर उपलब्ध भी रहेगा, जहाँ हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं उनकी जानकारी जो है वो हमें यहाँ से मिलेगी, वहीं हमें इसके ऊपर शोध का भी एक विषय जो है वो साथ साथ वो चलता रहेगा। तो एक हमारा ऋषियों मुनियों ने जो हमें जो संदेश दिया था कि धर्म के साथ संस्कृति के साथ हमने वृक्षारोपण को जो था वो जोड़ा था।